पल भी बोलते हैं शनिदेव महाराज को, क्या बोलते हैं? दस नामों में से एक नाम क्या है? पीपल, पिंगल, शोरी, बबरू, यम, कोणस्त, मंद, शनिश्चर। आया समझ में? इन नामों का उच्चारण करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न। वो अप्रसन्न कभी थे नहीं, होंगे भी नहीं। मानव जाति के कल्याण के लिए कलयुग में उनका नाम जरूर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि तो एको देवा कलो शनि, शनिदेव महाराज कलयुग के अकेले आगे ऐसे देवता होंगे जो बड़े महिमावान होंगे। उन्होंने अपनी महिमा दिखानी शुरू कर दी है। इससे भी ज़्यादा महिमा क्या जानोगे कि आज एलोपैथी शनि धाम के इस दरबार के सामने केवल ऐसा अजन्मा बच्चा है, ऐसा बच्चा है जो गर्भ में कहना डॉक्टर के जिसकी आवल नाल फंस गई है और जिसके मुंह में गंध चली गई है। आए ना समझ में? एक स्त्री 5 दिन तक लोचती है। बच्चा पैदा होने के बाद उसके स्तर पे दूध तो आता नहीं, उल्टा सोजन आ जाता है और दर्द बढ़ जाता है। तब डॉक्टर के यहाँ लगातार उसका इलाज चल रहा होता है और उसकी स्थिति मरणासन्न हो जाती है। तब मनु भैया जाते हैं, मुझे कोई उपाय नहीं सूझा। दिमाग में एक विचार आया, मेरे को किसी ने एक इतनी बड़ी ट्रॉफी दी थी, वो ऊपर से छोटी होती है और नीचे से ऐसी चौड़ी होती है, उसमें कोई आकृति बनी होती है लेकिन उसमें एक पूरा नट लगा होता है नीचे तक का, इतना बड़ा। मैंने उस नट को खोला, उसमें से निकाला, उस लड़की के स्तन पे रखा और ऊपर से भगवान का नाम लेके फूंक मारी। आपको पता है 2 मिनट के बाद मैंने उसकी यहीं नजफगढ़ के एक हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी थी, बिल्कुल ठीक करके। वो जीवित है। तब आपको पता चलता है कि आप लाखों रुपए देके, मैं सोचता था कि इनको दुखी ना करूं, तंग ना करूं, इनको छेड़ू ना, लेकिन इनकी लूट इतनी है कि आज मैं देखता हूं तो मरमाहत होता हूं। हर बहन जो आती है उसके या तो पित्त की थैली निकाल दी है या उसका कोई ना कोई ऑपरेशन। मेरी भी निकाल दी है पित्त की थैली, अभी करवाया ऑपरेशन। आदमी को नहीं बख्शेंगे, सुन लो, लेकिन अभी तुम्हारी रोटी पचने नहीं देंगे। रोटी पची तो तुम बीमार नहीं होगे, और बीमार तुम्हें करना है तभी उनका जेबें भरेंगी। तब हमने गलती कर दी, शैतान को भगवान मान लिया और भगवान से दूर हो गए। आगे नहीं, काश हम भगवान का नाम लेते रहते। हमने तो अपनी राम राम को भी हाय हेलो में विदा कर दिया। ओ भारतवासियों, तुम तो बिल्कुल नंगे खड़े हो, मुझे लगता नहीं तुम हिंदू कहाँ से हो। तुम्हारे घर में वेद नहीं, शास्त्र नहीं, तुम्हारे बच्चों को शास्त्र की मर्यादा नहीं पता, शास्त्र की एक बात नहीं पता। चलो उनके 16 संस्कार ना हो, मेरे भी नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनमें अपने वेदों के प्रति निष्ठा ना हो, उनमें इतनी भी श्रद्धा ना हो कि वो अपनी परंपराओं को जान सकें, उनमें इतनी भी श्रद्धा ना हो कि उनके पिता ने सारी उम्र रामायण की है और वो कदापि रामायण लेके बैठे ही ना हाथ में, उनके दादा ने सारी उम्र गीता पढ़ी है और वो उनके हाथ में गीता ही ना आए। कितनी बड़ी बात है। हम हिंदुओं का सब कुछ चला गया है, हम कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे तुम हिंदू तो बन जाओ, 2 मिनट के लिए ही बन जाओ, राष्ट्र क्या बनाओगे फिर? आज हिंदू जाग जाए, अपनी संस्कृति को अपना ले तो वो वैसे ही प्रफुल्लित हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। आपके आज जो घर हैं उनका एक ही दरवाज़ा खुलता है, एक दरवाजे से पूरा फ्लैट खुलता है, और किसी किसी फ्लैट में तो जंगला चौखट भी नहीं होते, आसपास में इतनी बिल्डिंगें बनी हैं। तब हम देखते हैं कि एक ही दरवाजे से ऑक्सीजन आती है और तब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। उस कमी के कारण हमारी सांसें रात को अटक जाती हैं, बहुत सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है, वो उसी के कारण पड़ता है। तब डॉक्टर समझ ही नहीं पाता, जब आपको ऑक्सीजन की ही पूर्ति नहीं हो रही है तो आप मरेंगे ही मरेंगे। तब ऐसे में एक सहारा है हमारा, एक देवता है, पीपल देवता। तब उसको अपने घर में रखें, वो छोटा भी ऑक्सीजन देता है, वो बड़ा भी ऑक्सीजन देता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। किसने सोचा कदापि कि उसको घर लेके आए, किसने सोचा कदापि कि उसको मशीन की तरह यूज कर ले, किसने सोचा कदापि कि इससे पीपल सेवा भी हो जाएगी, देव सेवा भी हो जाएगी। अपने घर में तुलसी, अपने घर में पीपल, अपने घर में बरगद, छोटा पेड़ जरूर रखें, क्योंकि बरगद भी अन्य पेड़ों की अपेक्षा काफ़ी ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। बरगद को थोड़ा दूर रखें और पीपल को नज़दीक रखें, पीपल को इतना नज़दीक रखें
कि अपने कमरे में ही पीपल को सजाए रखे, उसकी एक छोटी सी डंडी भी जिसको आपने जल दिया, वो जितना जल आपने उसको दिया उससे ज़्यादा आपका उपकार कर सकती है और आप पर वो अपना प्रभाव जमा सकती है। जब शुद्ध वायु मिलेगी, बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा और उसके हिलने से मन प्रसन्न हो जाएगा, तब अंदर बैठ के भी जब आप बाहर नहीं निकलते हैं पता चल जाएगा कि पतझड़ आया है कि नहीं आया है। उस पीपल के पत्ते गिरेंगे पता चलेगा पतझड़। बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं जाते ना। जय शनिदेव। अब बताइए कि कितने लोगों को डॉक्टरों पे विश्वास है? मनु भैया पे मनु भैया की। अब कहना है हमने एलोपैथी हाय हाय, दवाइयों को बाय बाय। एलोपैथी हाय हाय, एलोपैथी हाय हाय, एलोपैथी हाय हाय, दवाइयों को बाय बाय, दवाइयों को बाय बाय। अब ये बता दो कितने लोगों ने दवाइयां छोड़ दी हैं यहाँ आने से, जिन्होंने अपने जीवन से दवाइयों को निकाल दिया है और लेंगे भी तो केवल आयुर्वेद का सारा। पूरा हाथ उठाओ, दोनों दोनों हाथ। अरे तुम तो सारे ही उठ गए। जिन्होंने दवाइयों को छोड़ दिया है केवल वो हाथ उठाए। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ। इतने लोगों ने दवाइयों को छोड़ दिया है, एलोपैथी को विदा कर दिया है अपने जीवन से, क्योंकि बीमारियां सारी प्रेत से और पितर से बनी है। बाबू जी आपकी कितनी उम्र है बताएं जरा? 65 साल की उम्र में आपको पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है? अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है ये यहाँ पर, वैसे मामूली मामूली। वो भी आपको चलने से बहुत ज्यादा तब महसूस होता है, वैसे तो नहीं होता? नहीं वैसे। इसका मतलब क्या है? इतना शुद्ध खान पान होते हुए भी 65 साल की उम्र में उनको दर्द नहीं है, तो दर्द किसको है? प्रेत से और पितर से है। अब प्रेत गोले के रूप में जब पेट में घूमता है और दर्द करता है तब आप पूछते हो प्रेत से, क्या पूछते हो? तब आप डॉक्टर को कहते हो जाके कि मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कोई गोला घूम रहा है। डॉक्टर चेक करता है, वो आपके टेस्ट लिखता है, 6000 का तो टेस्ट ही हो जाता है, है अल्ट्रासाउंड भी कराता है 1500 का हो जाता है, तब आपका रुपया पहले दिन से ही जाना चालू हो जाता है। पर कई बार वो कहता है कुछ आया नहीं, आपको फिर भी दवाई दे देता है दर्द की, फिर भी आप आते हैं कि दर्द ठीक नहीं हुआ तो इन्फेक्शन की दवाई देता है। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और प्रेत जो है वो वायु रूप में होता है, डॉक्टर को अंदर दिखाई देता है वाइट वाइट सा, तब वो कहता है ये तो आपको फोड़ा बन गया, या तो कैंसर बनेगा या फिर आपको गांठ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब वहाँ से वो आपको डराना चालू करता है, वहाँ से उसका काम चालू होता है, तब वो आपका एक दिन ऑपरेशन कर डालता है। इसी तरह डॉक्टर पित्त की थैली में, क्योंकि यहाँ पे कलेजे में एक देवी बैठती है जिसको मशानी बोलते हैं, जितनी भी क्षेत्रीय देवियाँ हैं वो कलेजे में बैठती हैं, और मशान के जितने भी देवता हैं वो नाभि के नीचे की तरफ बैठते हैं, वो वहाँ दर्द करते हैं नलों में, ठीक है, आपके गुप्त स्थानों में वहाँ पर वो दर्द करते हैं, वैसी ही बीमारियाँ बनाते हैं। तब डॉक्टर को आप दिखाने जाते हो, वो कोई कोई रोग बता के आपको कई बार ऑपरेशन कर डालता है, और कितने झूठे ऑपरेशन यहाँ पे कर डाले हैं लोगों के, ये मैंने साबित करके दिखा दिया आपको। हाथ कंगन को तो कोई आरसी नहीं है, मैं पूरी दुनिया के सामने प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ, पूरी दुनिया, पूरे विश्व, समस्त लोग, इसके अलावा भी कहीं धरती लोग हैं वहाँ भी दिखाने के लिए तैयार हूँ कि भाई मेरी ये विद्या है, ये सारी बीमारियाँ प्रेत से और पितरों से ही उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन उन बीमारियों ने ऐसे स्वरूप धारण कर लिया। मुझे आज तक याद है, एक बच्चा हमारे पास आता है भुवन राव जी का, यजुस राव, सारी दुनिया ने सब यहाँ जानते भी होंगे उसको, ठीक है, थोड़ा हेल्दी सा लड़का है, मेरे पास आके बैठता है, बहन भाई आते हैं। उस लड़के को आज से 5 साल पहले काली खांसी हो गई। क्या खांसी? काली खांसी हो गई, और वो मेरे पास आए, अंकल मेरा जाप कर दो। मैंने कहा तो काली खांसी है। वो लड़का कहे काली खांसी नहीं है, पितर है, इतनी देर में भी 2 बार खांसी आ जाए, और वो जिसको कुत्ता खांसी बोलते हैं। तब मैं नजफगढ़ में किराए पे रहता था, मैंने उसके सिर पे हाथ रख के आधा घंटा जप करा होगा, आज तक उसको वो काली खांसी नहीं हुई है, कहाँ गई मुझे ही नहीं पता चला। आगे ऐसे ऐसे उदाहरण आते गए जीवन में सामने, तब आपका अनुभव बना। जिस किशनपुर की आज भाऊ जी ने बात की, मैं किशनपुर से आया हूँ, एक किशनपुर बुलंदशहर में है, वहाँ का एक व्यक्ति 4 साल से सरिता विहार के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, 2 किले जमीन उसकी बिक गई थी और वो चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। एक दिन वो मेरे पास बुग्गी में बैठ के आता है, कहता है मेरे बेटे घर पे नहीं रहते, मेरी बहू है साड़ी डाल के पीछे से कमर पकड़ के उचका के मुझे थोड़ा,
और तब तसला मेरे उसके नीचे करके, कूलों के नीचे करके मुझे टट्टी कराती है, महाराज मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, क्या करना चाहता हूँ, मैं जीवन जीने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, मैं तो ऐसा आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि ताकि मेरी मृत्यु आज ही हो जाए। उसको बुग्गी में बैठा के लेके आए गांव के दो तीन लोग, आपको पता नहीं मैंने उसके पैरों पे हाथ लगा के बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ किया और करीब करीब 45 मिनट किया होगा, तब मैंने कहा आप देखना जरा कि आपके पैर चालू हो गए क्या, तब वो खड़ा होता है, खड़ा होकर वो अपने गाँव तक पैदल जाता है, अगले दिन पूरा गाँव मेरे पास आता है। तब आदमी का अनुभव होता है, आज भी वो आदमी है, जीवित है, कोई जाके पुष्टि कर सकता है, वो बताता है बकायदा, बताएगा आपको कि हाँ मेरे जीवन पर चलने का जो एहसान है वो मनु भैया ने किया। तब भगवान का एहसान भी मानता है व्यक्ति, लेकिन ये सब हमें दिखाता है कि डॉक्टर हमें कैसे परेशान करते हैं। मैंने देखा है आज तक कमर का किसी भी डॉक्टर ने कोई भी ऑपरेशन किया, उससे पहले वो आदमी चल रहा होता है, उसके बाद वो आदमी कदापि चल नहीं पाता है, और प्रेत आपको मेरे पास तक नहीं पहुंचने देते, वो आपके मन को ऐसा बना देते हैं कि आप आ ही नहीं सकते। जैसे एक व्यक्ति का कमर का ऑपरेशन करा दिया, यहाँ आने से उसको लाभ हुए, लेकिन वो एक बार ही आ पाया, दोबारा वो आ नहीं पाया। वो रात को मैंने उसकी यहाँ पे वीडियो बनाई थी, इसी इसके पास याद है तेरे, क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये आने का मन नहीं बनने देते, इन पर दबाव पड़ने लगता है। जब आप घर से सोचते हैं मनु भैया के पास जाना है, कोई छोड़ना नहीं चाहता अपनी सत्ता, कोई जाना नहीं चाहता, कोई डिगना नहीं चाहता, ये डॉक्टर भी अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए देखना मनु भैया के साथ साथ क्या क्या होगा। लेकिन मुझे भय नहीं है, मैं निर्भय हूँ, मैं आत्मदर्शी हूँ, मैंने देव दर्शन किया है और शनिदेव महाराज मेरे साथ हैं, और वो देव दर्शन भी बहुत बार किया है और वो भी शनिदेव का किया है ना, इसलिए भय नहीं है। जो खुद दुनिया को निर्भय करता है, बड़ा न्याय करी है, वो न्याय करेगा तुम्हारे साथ भी, और सारी दुनिया को पता चलेगा एक दिन कि भाई भारतीय की, हम हिंदुस्तानियों की एक परंपरा जो आयुर्वेद है, जो वेदों से निर्मित है, हमारे महर्षियों ने लिखी है, जिसमें केवल कल्याण होता है, वो आपके कल्याण के लिए ही है। भारत का वो राजा जो आज राज करके ऊंचा सिंहासन करके चलता है, मैं उसको भी बता देता हूँ कि आपके भाल पे पसीना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया में एक चीज चिकित्सा हमेशा मुफ्त रही है, आपके यहाँ चिकित्सा मुफ्त नहीं है, ये चिकित्सा जगत ही इस देश का नाश है, सबसे ज़्यादा पैसा खाता है। आपको पता नहीं है रावण के यहाँ भी जो सुषेण वैद्य थे वो फ्री में मुफ्त में, जबकि वो राक्षस थे, मुफ्त में ही सेवा किया करते थे, उन्होंने लक्ष्मण जी की कि नहीं की बताना जरा, और जड़ी भी बताई कि नहीं बताई। आज के करोड़ों वर्ष बाद कोई रोग न आएगा इस धरती पे पनपेगा, क्योंकि उसने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद ले रखा है कि मैं यहाँ किसी न किसी रूप में रहूँगा ही। आयुर्वेद में उसका इलाज मौजूद है, आप अपनी जड़ियों को ढूंढे या ना ढूंढे। और वेद की डिग्री भी मिलनी बंद हो गई थी, मैं तुम्हें बताऊँ, BAMS भी बहुत बाद में चला है, इन आयुर्वेद वालों ने इतनी मिट्टी खराब कर दी थी, ये पता नहीं कहाँ से पैसा इतना झाड़ते हैं कि दूसरे को खरीद लेते हैं, नेताओं को खरीद लेते हैं, अपने मन माने इन्होंने कानून बनवा दिए कि हम सेवक हैं, हम भगवत तुल्य हैं, हमारे में भगवान बसता है, सब हमारे से नीचे हैं, हमारे कोट में ही सबसे ज्यादा सफेदी है, बाकी सब दुर्गंध वाले हैं, बाकी सब में मलिनता है, लेकिन ये खुद मलिन निकले, ये मनु भैया ने साबित कर दिया है। दवाइयों के नाम पे अरबों खरबों रुपया, एक डॉक्टर 5 जगह से पैसा लेता है, आपको पता हो तो, वो दवाइयों पर कमीशन लेता है, दवाइयां सारी उसके यहाँ मिलती हैं, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती जो वो लिखता है, आया। दूसरा, सभी स्कैनिंग पे टेस्टों पे वो पैसा लेता है 40-50%, तब वो अपने पर्चे पे लिख के भेजता है। तीसरा, अपने पर्चे से पैसा लेता है, और अपने रूम पे भी, रूम पे अलग से देखते हैं, अपने रूम पे, अपने घर पे अलग से देखता है, तो वहां का भी पैसा लेता है, और किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है तो वहां से भी पैसा लेके ही घर आता है, हैं? जिस चिकित्सा को सदा से ही फ्री में किया गया, मुफ्त में किया गया, उस चिकित्सा से आज लोग सर्वोपरि पैसा अपने घरों में ढकेल रहे हैं, और लोग MBBS बनाने के लिए अपने बच्चों को आतुर रहते हैं। तो मैं उन आतुर जनों को कहना चाहता हूँ कि आप इस संसार को मारने पे तुले हैं क्या? क्या आप मानव के दुश्मन हैं क्या?
क्या आप मानव हानि करने पे लगे हुए हैं क्या, जो आप अपने बच्चों को आयुर्वेद आचार्य नहीं बनाना चाहते, आप अपने बच्चों को BMS की डिग्री नहीं दिलाना चाहते, आप अपने बच्चों को MBBS बनाना चाहते हैं केवल एक लोभ में कि आपके बिल्डिंगें खड़ी रहें और दूसरों के घर भी गिर जाए और दूसरों की हाय आपके बच्चों पर पड़े, आपके कुल पर पड़े, आपका वंश गति ना पावे, आपका नाश होवे। क्या इसी लोभ में आप ऐसा काम करते हो हा? जो दुर्जनों को भी शोभा नहीं देता, तीन निर्लज्जों को भी शोभा नहीं देता। आपकी लज्जा कहाँ गई है? आपने लज्जा वसन को फेंक दिया क्या? क्या आप इतने नंगे हो गए कि आप लोगों को काट काट के खाओगे? क्या आप लोगों के अंगों का व्यवहार करोगे, उनको बेचोगे? फिर जब श्वासें भगवान के हाथ में लिखी है और आदमी परहेज से ही ठीक होता है, तब आप परहेज करो ना। और श्वासें भगवान के हाथ में लिखी है तो भगवान के आश्रित तो हो जाओ। तुम्हें कौन श्वास दे रहा है कम से कम यही जान लो। फिर जब खत्म हो जाती है श्वास, फिर डॉक्टर क्यों कहता है हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर लो, तुम्हारा आ जाए तो आ जाए, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए गए 60 लाख को, 65 लाख को, 45 लाख को छिपाना चाहता है भगवान के नाम से। जो भगवान को नहीं मानता, तब वो भगवान को कैसे मानता है? वो कहता है तुम्हारा जो भी है उसके पैसे निकाल दो और क्या कहते हैं, हाथ जोड़ लो, अब तो तुम जो है प्रार्थना से ही उत्तर पा सकते हो ईश्वर से।